दिल्ली के गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन पर बड़ा हादसा हुआ है। मेट्रो स्टेशन की बाउंड्री वॉल का एक हिस्सा टूटकर गिर गया है। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस के DCP डॉक्टर जॉय टीकरी के मुताबिक हादसा तकरीबन 11 बजे हुआ। गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन की बाउंड्री वॉल का एक हिस्सा नीचे सड़क पर गिर गया। इस हादसे में कम से कम 3 लोग घायल हुए हैं। एक व्यक्ति मलबे के नीचे फंस गया और गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि अन्य मामूली चोटें आई हैं और पुलिस कर्मियों ने लोगों की मदद से उसे मलबे से बाहर निकाला। घटना के समय वह अपनी स्कूटी पर सवार था। आनन फानन में उसे GTB अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। आगे के विवरण एकत्र किए जा रहे हैं। JCB और क्रेन की मदद से मलबा हटाया जा रहा है। स्थानीय पुलिस और मेट्रो कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं। इस मामले में कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे की जांच प्रगति पर है। सर, एक आज इंसिडेंट हुआ है मॉर्निंग में, मेट्रो स्टेशन का कुछ हिस्सा नीचे भरभराकर गिर पड़ा, क्या जानकारी? देखिए, इस समय हम लोग गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन के बगल में खड़े हैं। आज सवेरे लगभग 11 बजे के आसपास का इंसिडेंट है ये, जो ईस्टर्न साइड है, जो मेट्रो स्टेशन का जो बाउंड्री होता है, जो कंक्रीट बाउंड्री होता है ईस्टर्न साइड का, वो कैसे गिर गया अभी उसकी हम लोग छानबीन करेंगे, पर वो नीचे गिर गया सड़क पर। एक बड़ा पोर्शन, ऑलमोस्ट 40-50 meters का हिस्सा, और नीचे कुछ पब्लिक के लोग थे, उनको चोट लगी है। 4 लोगों को माइनर इंजरीज है, जिनमें एक का पैर टूटा है और एक की इंजरी थोड़ी ज़्यादा है उसके सिर और पैर में, उसको बल्कि एक्सट्रैक्ट किया गया। मेट्रो का स्टाफ और हमारे लोकल पुलिस स्टेशन भी बिल्कुल बगल में ही है, तो जल्दी से पहुंच के उनको एक्सट्रैक्ट किया, नीचे डेबरी से निकाला और उनको GTP हॉस्पिटल ले गया। तो अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। उन्हीं की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई है बिकॉज अनकॉन्शियस है वो। बाकी तो 4 लोगों की हमने हो गई, उनको माइनर, एक के पैर में फ्रैक्चर है, बाकी के माइनर इंजरीज हैं, तो थोड़ा बचाव हो गया। तो अभी JCB वगैरह काम कर रही है पीछे, और कुछ जो पोर्शन इसका लटक रहा है अभी भी, उसको भी मुझे लगता है इनको गिरा देना चाहिए, बिकॉज थोड़ा सा वो कभी भी किसी समय गिर सकता है, अनस्टेबल है। घायलों को कितनी देर में निकाल दिया गया? थाना बिल्कुल ही बगल में है, तो जैसी आवाज़ आई धड़ाम से, तो फिर वो दौड़ के हमारे स्टाफ पहुँचे, ACP SHO सारे ही पहुँचे स्टाफ के साथ में, और फटाफट उनको GTP हॉस्पिटल। सर, इसमें डेफिनेटली जी हम एक केस रजिस्टर करेंगे अप्रोप्रिएट सेक्शंस में, और जो SHO नन नगरी है वो वहाँ GTP हॉस्पिटल में उनकी देख रेख में इन लोग की इलाज चल रहा है, और हम लोग सारे मीणा, असिस्टेंट डिविजनल फायर ऑफिसर, दिल्ली फायर सर्विस। ये कॉल मिली थी कि गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन का स्लैब नीचे गिर गया है, कुछ कैजुअल्टी, कुछ आदमी दबे हुए, कितना मिली थी? ये 11:10 पर। तो इसमें 4 लोग निकाले गए हैं, तो फायर ब्रिगेड पहुंची थी, उससे पहले 2 आदमी पहले निकाल दिए थे, जो PCR उनको GTP हॉस्पिटल ले गई, और 2 बाद में फायर ब्रिगेड की मदद से निकाले हैं और उनको भी GTP हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। अभी उनकी एक्चुअल क्या स्थिति है वो अभी डिटेल लेने जा रहे हैं, मैंने एक ऑफिसर को भेजा है। बाकी और JCB ने और सारा मलबा लगभग देख लिया, कुछ हिस्सा अभी डेंजरस पोजिशन में लटका हुआ है। सर, बाइक सवार थे ये लोग, यहाँ से निकल रहे थे शायद, यहाँ के पब्लिक के, लेकिन हम तो आम पब्लिक ही थी। कितनी गाड़ी सर मौके पे पहुँची है? मौके पे 5 गाड़ियाँ हैं हमारी। सर, ये कौन सी लाइन कहते हैं इसको? लाइन गोकुलपुरी से और इधर जा रही है, कंफर्म नहीं है। पिंक लाइन, हाँ, पिंक। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।